हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई शुभकामनाएं। आज गुरु का दिन है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, ज्ञात गुरु अज्ञात गुरु। गुरु कभी एक नहीं हो सकता, गुरु अनेक होते हैं। जहाँ आपने ज्ञान प्राप्त किया, जिससे आपको सद्गुण मिला, सद्ज्ञान मिला, वो गुरु हो गया। तो गुरु का सम्मान करना चाहिए, और गुरु बिन ज्ञान तो मिलता ही नहीं है। और गुरु को जरूरी नहीं कि भौतिक शरीर से ही आपके सामने हो। गुरु अभौतिक शरीरी भी हो सकते हैं, अव्यक्त रूप भी हो सकते हैं। कोई ग्रंथ भी आपका गुरु हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों ने ग्रंथ को गुरु माना कि नहीं माना? गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु, अच्छी पुस्तकें भी गुरु होती है। अच्छी पुस्तकें दैवीय गुरु है, जीवंत देव है। श्री आचार्य रामचंद्र जी, आचार्य रामचंद्र जी ने कहा है, श्री राम जी ने, श्री आचार्य श्री राम ने कहा है कि अच्छे ग्रंथ जीवंत देव हैं। ठीक है, तो ग्रंथों को भी गुरु माना जाता है। कि जैसे कि आपने अनेक बचपन में आपकी माता परिवार गुरु था, फिर पिता, भाई गुरु हो सकता है, बहन गुरु हो सकती है, अनेक ग्रंथ गुरु हो सकते हैं, मार्गदर्शक पथिक बहुत सारे व्यक्ति आपके गुरु हो सकते हैं, अनेक गुरु हो सकते हैं। सभी गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए आज के रोज। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबसे बड़े गुरु हैं भगवान कृष्ण। ठीक है, उन्हीं की चरण वंदना करके आगे बढ़ते हैं। आज जो है, आज की जो जुलाई 13 तारीख है, 13 जुलाई है, गुरु पूर्णिमा का समय है आज, है ना? और पूर्णिमा तिथि जो है, शाम 4 बजे तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। कुछ खास जो ग्रंथ है जो हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं, उनके विषय में एक छोटा सा वीडियो बनाना था। मुझे लगा कि आज का दिन काफ़ी अच्छा है, ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए और लोगों से संपर्क में रहना चाहिए। तो ये भर्तृहरि महाराज की 3 किताबें हैं, नीति शतक। पहली तो नीति शतक है, और दूसरी वैराग्य शतक है, और तीसरी जो है उस किताब, वो है वो श्रृंगार शतक। तो ये जो मैंने ग्रंथ परचेज करे थे, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य से परचेज किए थे, कि श्री रामकृष्ण देव का मैंने काफ़ी लिटरेचर पढ़ा, और जो है विवेकानंद जी का काफ़ी लिटरेचर पढ़ा, और कई इनकी जो प्रेरणाएं हैं काफ़ी उपयोगी रहे, और इस पंथ से मैं जुड़ा, और अभी जुड़ा भी हूँ। मेरे साथ एक समस्या है, मैं अनेकों पंथ से जुड़ा हूँ और जुड़ा रहता हूँ, किसी एक पंथ का मैं धरा बांधा नहीं रहता। कोई मुझे खरीद नहीं सकता कि आप इसी पंथ में रहो। तो कभी रामकृष्ण मिशन में, कभी एस्कॉन में, कभी जो युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार का भी भागीदार रहे, तो अनेकों मिशन के साथ उनसे सीखा, और जब सब मिशनों में गए तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अपने आप को कभी भी एक खूंटे से नहीं बांधना चाहिए, अपने विचार को बांध के नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो चलते हैं इसी क्रम में, आज कुछ बताते हैं कि महत्वपूर्ण छोटे छोटे पुस्तिकाएँ हैं, भर्तृहरिकृत, नीति शतक और वैराग्य शतक। जो नीति शतक है उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दी, जैसे मूर्ख पद्धति क्या है, मूर्ख कौन होता है, मांस और क्या होता है, दुर्जन क्या होता है, सुजन क्या होता है, धैर्य, देव, कर्म, ऐसी कुछ विशेष चीज़ें दी हुई है। उसी तरीके से इसमें मौन के विषय में भी लिखा है, कि मौन योग पे भी एक छोटी सी किताब लिखी है स्वामी परमानंद ने, काफ़ी है। जब आदमी का समय खराब हो जाए तो मौन हो जाओ यार, ज़्यादा बकवास करने से अच्छा मौन, मौन ज़्यादा, मौन से अच्छा क्या है। ठीक है, तो चलते हैं इसी क्रम में कि क्या नीति शतक में क्या कुछ ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। कुछ इसकी समरी मैं बताता हूँ, पूरा तो बताना संभव नहीं है, समरी तो बताई जा सकता है। तो चलते हैं, कुछ श्लोक इसके बड़े काम के हैं वो लेते हैं। ठीक है, नीति शतक का जो नंबर, चौथे नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति घड़ियाल के मुख में स्थित दांतों से बलपूर्वक मणि को निकाल ले, संभव है कि कोई प्रचंड तरंगों से क्षुब्ध समुद्र को भी तैरकर पार कर ले, हो सकता है कि कोई क्रोधित सर्प को भी पुष्प के समान अपने सिर पर धारण कर लें, परंतु दुराग्रह से ग्रस्त व्यक्ति मूर्ख के चित्त को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। दुराग्रही व्यक्ति से सावधान रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद एक श्लोक है, श्लोक नंबर 7 है, विधाता ब्रह्मा ने मूर्खों के कल्याण, तो उनकी मूर्खता को छुपाने के मौन रूप उनके अधिकार में रहने वाले अत्यंत हितकर गुण बनाया है, जो सर्वज्ञ विद्वानों की सभा में उनके लिए विशेषकर अलंकार सिद्ध होता है। भगवान सब पे दया करते हैं, भगवान ने मूर्खों पे भी दया करी। विधाता ब्रह्म ने मूर्खों के लिए मौन बनाया है कि भैया मौन रहो, अपनी जबड़ी बंद रखो, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मौन तो रहा ही जा सकता है ना। मौन योग पे स्वामी परमानंद ने किताब लिखे, मौन योग काफ़ी अच्छी युक्ति है। ठीक है,
आगे चलते हैं। इसके बाद एक श्लोक और है, श्लोक नंबर है ये 11वां, नीति शतक से। अग्नि को जल के द्वारा, धूप को छतरी के द्वारा, मदमत हाथी को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, बैल तथा गधे को डंडे के द्वारा, रोग को औषधियों से जुटाकर और विष को विभिन्न मंत्रों के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों में हर चीज के लिए दवा का विधान किया गया, परंतु मूर्ख को ठीक करने का कोई दवा नहीं है। मूर्खों से सावधान। आगे श्लोक नंबर 12 में लिखते हैं, जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला में रसबोध नहीं रखता, वह मानो मूछ पूछ तथा सिंगों से रहित साक्षात पशु है। पशुओं का यह परम सौभाग्य कि ऐसा मनुष्य बिना घास खाए भी जीवित रहता है, अन्यथा पशुओं के लिए उदर पूर्ति कठिन हो जाती है। ठीक है, देखो, जो व्यक्ति में साहित्य संगीत कला कोई रुचि नहीं है, मूर्ख ही आदमी है, ना उसको साहित्य से मतलब, संगीत से मतलब, ना कला से मतलब, ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु है। ठीक है, उसको पशु ही समझना चाहिए। आगे श्लोक नंबर 14 में लिखता है, बल्कि वनवासियों के साथ दुर्गम पर्वतों में विचरण करना अच्छा है, परंतु मूर्खों का सानिध्य में इंद्र के महलों अर्थात स्वर्ग में भी रहना, में भी निवास वांछनीय नहीं है। मूर्खों के साथ महलों में भी रहना ठीक नहीं है। ठीक है, बड़ी काम की बातें मिल रही है और बहुत ही जोरदार इस मायने में ये ग्रंथ है, इसमें कोई शक नहीं। छोटी सी बुकलेट है, 20-25 रुपए की मिलती है, आप इसको परचेस करते हो, कर सकते हो। मैंने ये बताया कि कहाँ से मिलती है आपको, ये देखिए, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य यहाँ से मिल सकती है ना, नागपुर से मैंने परचेस किया था इन ग्रंथों को। आप जहाँ पे भी आपका रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का संस्थान है वहाँ जाके परचेस कर सकते हो, सस्ती है और काफ़ी उपयोगी किताब है। ठीक है, अब आगे एक और श्लोक आपको सुनाते हैं, दुर्जन पद्धति का श्लोक नंबर 53 है। दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से अलंकृत हो तो भी उससे दूर रहना ही उचित है, क्योंकि ये सर्प यदि मणि से विभूषित है तो भी वह कम भयंकर नहीं होता, अर्थात दुष्ट व्यक्ति गुणवान हो तो भी उसका संसर्ग घातक होता है। दुष्ट से बचने की सलाह दी है। गुणियों का प्रत्येक गुण दुर्जनों द्वारा कलंकित किया जाता है। दुर्जन लोग गुणियों को लज्जाशीलता से जड़ता को जड़ता बोलते हैं, व्रतपालन को दंभ बोलते हैं, शुचिता को कपट, शौर्य को निर्दयता, मौन को निर्बुद्धिता, मधुर वचन को दीनता, पराक्रम को गर्व, अच्छे वक्तृत्व को वाचालता, शांत स्वभाव को निर्बलता बताकर इन गुणों की निंदा करते हैं। इसलिए दुर्जन से आपको बच के रहना चाहिए। आगे श्लोक है, मनुष्य में यदि लोभ है तो उसे अन्य किसी दुर्गुण की जरूरत नहीं, यदि चुगलखोरी है तो अन्य किसी पाप की आवश्यकता नहीं, यदि सत्य है तो किसी अन्य तपस्या का प्रयोजन नहीं, यदि मन शुद्धि है तो तीर्थ सेवन की जरूरत नहीं, यदि सज्जनता है तो किसी अन्य गुण की आवश्यकता नहीं, यदि बड़कपन है तो किसी आभूषण का प्रयोजन नहीं, यदि उत्तम विद्या है तो धन की कोई जरूरत नहीं, और यदि बदनामी है तो उसे मृत्यु की आवश्यकता क्या। ज्योतिष में लिखा है कि मृत्यु तुल कष्ट होगा, तो यदि आपको बदनामी होती है तो भी मृत्यु तुल कष्ट है। आगे श्लोक है, श्लोक नंबर 56, दुर्जन पद्धति। ये सात चीजें मेरे मन में सूलों की भांति चुभती रहती है, दिन में धूमिल चंद्रमा, यौन अतीत नारी, कमलहीन सरोवर, विद्याहीन सुंदर व्यक्ति, धन का लोभी राजा, सर्वदा दुर्दशा में पड़ा सज्जन और राजा का मुंह लगा अर्जुन दुर्जन। ये रही काम की बातें। इसके बाद एक और चीज श्लोक है, इस संसार में घास जल संतोष से अपना जीवन चलाने वाले हिरण मछली सज्जन लोगों के प्रति भी शिकारी मछुआरे और दुर्जन बिना किसी कारण ही वैर किया करते हैं। लोग जो है मछुआरे मछली को मार देते हैं, शिकारियों को तो कोई ठिकाना नहीं है, है ना। मछली किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती और जो है हिरण किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, तो भी लोग उसका शिकार कर देते हैं। ऐसा दुर्जन पद्धति में आया है। एक श्लोक धैर्य पद्धति में आया है, 83 नंबर का श्लोक है। समृद्धि का आभूषण सज्जनता, वीरता का आभूषण वाणी, वाणी संयम, ज्ञान का आभूषण शांति, शास्त्रज्ञ का आभूषण विनय, धन का आभूषण सत्पात्र व्यय, तपस्या का आभूषण क्रोध साहित्य, प्रभुत्व का आभूषण क्षमा और धर्म का आभूषण निष्कपटता, परंतु समस्त गुणों का मूल सील व सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ है। सदाचार, सील, ईमानदारी। एक श्लोक भाग्य को लेके आया, बड़ा अच्छा श्लोक है, और ये श्लोक है धैर्य पद्धति में आया, 85वां श्लोक। एक चूहा रात में स्वयं ही पिटारी में छेद करके उसमें दबे हुए शरीर वाले निराश भूख से शिथिल इंद्रियों वाले सांप के मुख में जा पड़ा। सांप भी उसके मांस से तृप्त होकर तत्काल उसी के बनाए हुए मार्ग से बाहर आ गया। हे लोगों, देखो, मनुष्य की उन्नति तथा अवनति में भाग ही प्रमुख कारण है। ठीक है, इसके बाद लिखता है, मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, उद्यम के समान उसका दूसरा कोई मित्र नहीं। कर्म करो, कर्म
जिसके करके उसके कभी भी दुख नहीं उठाता, कर्म करने से कभी भी आपको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। आलस्य ही खतरनाक है। कटा हुआ वृक्ष फिर भी पनपता है, दुर्बल हुआ चंद्रमा फिर भी बढ़ता है, ऐसा देखकर विचार करने वाले सज्जन लोग दुख विपत्तियों के अधीर नहीं होते। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कटा हुआ वृक्ष में भी अंकुरित आ जाते हैं, दुबला चंद्रमा, काला चंद्रमा गोरा हो जाता है। ठीक है, अब देव पद्धति से एक बहुत अच्छा श्लोक उठाए हैं। देव पद्धति से यदि यद्यपि व्यक्ति को सुख दुख आदि फलों की प्राप्ति पूर्व कर्म के अनुसार होती है और उनकी बुद्धि भी कर्मों के अनुसार ही चलती है, तथापि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सभी कार्यों को भलीभांति विचार करके ही संपन्न करे, अपने काम सोच समझ के करें। एक और श्लोक है, एक गंजा व्यक्ति सूर्य की तीक्ष्ण किरणों को सिर पर सिर से किरणों से सिर को गर्म हो जाने पर छाया की तलाश करता हुआ संयोग से एक ताड़ के वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। वहां भी ताड़ का विशाल फल जोरों की आवाज के साथ उसके सिर पर आ गिरा, उसका सिर फूट गया। भाग्यहीन लोग जहां कहीं भी जाते हैं, विपत्तियां भी प्राय वहां आ जाती हैं। भाग्यहीन के साथ होने वाली घटनाओं के समय जिक्र है। अगेन देव पद्धति पे एक श्लोक है, चंद्रमा तथा सूर्य को भी राहु ग्रस, चंद्रमा तथा सूर्य को भी राहु ग्रह द्वारा ग्रसे जाते हैं, मतलब ग्रहण लग जाता है चंद्रमा और सूर्य को भी। हाथी तथा सर्प को बंधे हुए देखा होगा आपने, हाथी को लोग बांध देते हैं जो कि हाथी इतना ताकतवर एक झटके में निपटा दे। ठीक है, और तो सर्प को बंधे हुए देते हैं लोग, सर्प को भी कब्जे में कर लेते हैं। सर्प को बंधे हुए और बुद्धिमानों की निर्धनता, बुद्धिमान लोग जो होते हैं काफी गरीब होते हैं, बुद्धिमान की निर्धनता को देखकर मुझे तो ऐसा लगता कि भाग ही बलवान है। देखिए, हाथी बंधा रह सकता है, सर्प बंधा रह सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति निर्धन हो सकता है, तो ये सब भाग्य के अधीन है। क्या बात है। तो ये श्लोक तो मैंने आपको बताइए कि ये नीति शतक से थे। अब मैं आपको वैराग्य शतक से बात दो श्लोक बता के वीडियो खत्म करता हूं। सूर्य के उदयवास्त के साथ ही साथ आयु का भी क्षय होता है। जीवन के विविध प्रकार के कर्तव्य कर्मों की व्यस्तता के बीच समय के बीतने का बोध नहीं रहता। आंखों के सामने ही जन्म, बुढ़ापा, संकट तथा मृत्यु के कष्टों को देखकर भी मन में भय का संचार नहीं होता। सचमुच ही विस्मृति रूपी मोह मदिरा को पीकर यह संसार मतवाला हो जाता है। ठीक है, एक श्लोक और मात्र बचा है, इसके बाद मैं अपने वीडियो को विराम दूंगा। देखो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर स्वस्थ और निरोग है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रिया सबल है तथा सक्षम है, और जब तक जीवन शक्ति का क्षय नहीं हुआ है, तभी वह आत्म कल्याण मोक्ष प्राप्ति का यथासंभव यथासाध्य प्रयास कर ले, क्योंकि मकान में आग लग जाने पर कुआं खोदने का कार्य आरंभ करने से क्या लाभ। जब तक शरीर है तो जब तक कर लो, अच्छे काम कर लो, अदरवाइज पछताने के अलावा आपके पास कुछ रहेगा नहीं। तो ये मैंने आपको नीति शतक, वैराग्य शतक के विषय में बताया। इस लेखक भृथरी साहब ने एक और भयंकर जोरदार ग्रंथ लिखा है, श्रृंगार शतक। ठीक है, अब चूंकि रामकृष्ण मिशन वाले श्रृंगार के विषय में कुछ बोल नहीं सकते, तो मजबूरी में इस किताब को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि डर है उन्हें, खतरा है श्रृंगार से, तो नीति शतक पे हाथ नहीं लगाया। लेकिन नीति शतक ग्रंथ भी जोरदार पढ़ने लायक है। ठीक है, आप इसको गूगल सर्च करोगे तो श्रृंगार शतक आपको PDF में मिल जाएगा, पढ़ जरूर लेना, मजा आ जाएगा। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रेरणादायी होगा, और ये छोटी छोटी पुस्तिकाएं आपके जीवन में काफ़ी नैराश्य को जो है उत्साह में बदल देगी, और आपकी कठिन समय में आप इन एक श्लोक पढ़ के ऊर्जावान हो सकते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो सकता है। ये श्लोक पढ़ने से आदमी के शरीर में ऊर्जा आ जाती है। कई बार आदमी नेगेटिविटी का सामना करता है, और एस्ट्रोलॉजर को तो लोग रोज नेगेटिविटी बताते हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, 80 लाख का लोन हो गया, तो 90 लाख का लोन हो गया, तो सब बर्बाद हो गए, लूट गए, पिट गए। कोई कहता है कि साहब मैं तो बहुत बढ़िया घर में रह रहा था, मेरा जॉब चला गया, मैं तो साधारण से घर में जाऊंगा, तो बहुत मैं अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा हूँ। लज्जा किससे? जो कोई आपको खिला रहा है जो लज्जा महसूस करोगे, किसी से लज्जा करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इतना बोलकर मैं आपका वीडियो बंद करता हूँ, और पुनः जो है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं, और भगवान कृष्ण की जय बोल के मैं वीडियो को बंद करता हूँ। हरे कृष्ण।